Welcome to Bowl Exam. Best of luck for exams. Subscribe the Bowl Exam. Also press the bell icon. Here is your teacher and let's start the class. The first is. तो दोस्तों आज हम डिस्कशन करेंगे मैकेनिक मोटर व्हीकल का टीवीएस एयर क्वेश्चन पेपर जो कि कुल 150 अंक का था और इसमें कुल 50 क्वेश्चन हैं. इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ें, खुद आंसर करने की कोशिश करें और देखें कि किस आधार पर या कैसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं. तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं. आईसी इंजन वह इंजन होता है जहां ईंधन डैश जलाए जाते हैं. ऑप्शन दिया है दहन चैम्बर के अंदर, दहन चैम्बर के बाहर, इंडक्शन मैनिफोल्ड के अंदर, एग्जास्ट मैनिफोल्ड के बाहर. यानी आईसी होता है इंटरनल कम्बशन इंजन. बोला गया जहां ईंधन को जलाया जाता है. तो दोस्तों आईसी इंजन यानी इंटरनल कम्बशन इंजन में ईंधन को इंजन के अंदर ही जलाया जाता है. इंजन के अंदर जो कम्बशन चैम्बर होता है जिसको दहन कक्ष बोला जाता है उसमें इसको जलाया जाता है. तो ध्यान रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चार स्ट्रोक इंजन में कितने पावर स्ट्रोक क्रैंकशाफ्ट के दो चक्रों में उपलब्ध होता है. ऑप्शन दिए हैं 4, 3, 2, 1. तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1. तो दोस्तों यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पावर स्ट्रोक क्रैंकशाफ्ट के कितने चक्रों में मिलता है. तो क्रैंकशाफ्ट के दो चक्कर होते हैं और इसमें क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल या गैस इंजन डैश भी जाना जाता है. तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है यानी गलत है. इस क्वेश्चन को जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि पेट्रोल या गैस को किस माध्यम से जलाया जाता है या कैसे जलाया जाता है या किस उपकरण से जलाया जाता है. तो ऑप्शन दिए हैं विद्युत स्पार्क प्लग से, इग्नाइटर प्लग से, संपीड़ित वायु से, ताप, गर्म एग्जॉस्ट से. तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत स्पार्क प्लग से या स्पार्क से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन डैश भी जाना जाता है. तो दोस्तों देखो कैसे क्वेश्चन या किस लैंग्वेज से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही मिस्टेक वाले क्वेश्चन होते हैं. तो इनको आपको समझ के करना है यानी आपको क्वेश्चन को सोच समझ के इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में देखकर करना है. तो ऑप्शन दिए हैं SI इंजन, CI इंजन, भाप इंजन, बॉयलर. तो दोस्तों डीजल इंजन को हम CI इंजन के नाम से पुकारते हैं यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन. और जो पेट्रोल इंजन है उसको हम स्पार्क इग्निशन इंजन से पुकारते हैं. तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ख, CI इंजन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियरेंस आयतन पिस्टन के ऊपर सिलेंडर का आयतन है जब पिस्टन डैश पर होता है. यानी क्लियरेंस वॉल्यूम किसे कहते हैं, इसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए. तो उसी डेफिनेशन को यहाँ पर लिया गया है और पूछा गया है कि उस स्थिति में यानी क्लियरेंस वॉल्यूम की स्थिति में जो पिस्टन की क्या स्थिति रहती है, यानी पिस्टन कहाँ रहता है. तो उसमें पिस्टन रहता है TDC पर यानी टॉप डेड सेंटर पर. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, TDC. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंजन RPM को ज्ञात करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है. ऑप्शन दिए हैं टैकोमीटर, अमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप ऑडोमीटर. तो दोस्तों जो गाड़ी में रीडिंग मीटर होता है जिसमें सारी इंडिकेशनें प्लस जो भी गेजेस जैसे टेम्परेचर गेज, एयर प्रेशर गेज, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर, ये सारी चीज़ें वहाँ दर्शाई गई होती हैं तो उसमें ही ये लगा होता है टैकोमीटर. तो जो इंजन के RPM को ज्ञात करता है उसको बोला जाता है टैकोमीटर. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी क, टैकोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात रेंज है, यानी पेट्रोल इंजन का जो है कंप्रेशन रेशो कितना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 8:12:1 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 लोड को डैश के लिए पिस्टन में निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन दिए है स्नेहन ऑयल के मार्ग के लिए, ठंडा करने के उद्देश्य के लिए, जब गर्म हो जाता है तो पिस्टन के फैलाव को समायोजन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जब गर्म हो जाता है तो पिस्टन के फैलाव को समायोजन करने के लिए, यानी जब गर्म होकर पिस्टन फैलता है तो ये जो स्लॉट है ये भर जाता है जिससे पिस्टन फैलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैंकशाफ्ट का सामग्री होता है, यानी क्रैंकशाफ्ट किससे निर्मित रहती है। ऑप्शन दिए हैं उच्च कार्बन स्टील, ढलवा लोहा, एल्युमिनियम मिश्र धातु, तांबा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ढलवा लोहा, यानी कास्ट आयरन। और दोस्तों ध्यान रहे, वैसे ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है स्टील या ड्रॉप फोर स्टील, यानी कास्ट आयरन और ड्रॉप फोर स्टील की क्रैंकशाफ्ट बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनेक्टिंग रोड का कार्य डैश करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए हैं क्रैंकशाफ्ट के लिए पिस्टन गति ट्रांसमिट करना, बी ऑप्शन दिया है फ्लाई व्हील टर्न करना, सी ऑप्शन दिया है ईंधन पंप टर्न करना, डी ऑप्शन दिया है ड्राई प्लेट टर्न करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रैंकशाफ्ट के लिए पिस्टन गति ट्रांसमिट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4-स्ट्रोक डीजल इंजन में ईंधन का डैश स्ट्रोक के सिरे पर दहन चैम्बर में प्रविष्ट किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं सक्शन, संपीडन, शक्ति, एग्जास्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संपीडन। यानी क्वेश्चन में पूछा गया था कि 4-स्ट्रोक डीजल इंजन में फ्यूल को कब इंजेक्ट किया जाता है, यानी इंजेक्टर से कब उसकी स्प्रे की जाती है। तो वो की जाती है संपीडन स्ट्रोक के अंत में, यानी कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी इंजन में ऑपरेशन के दौरान पॉपेट वाल्व का सबसे गर्म भाग कौन सा है। वाल्व फेस, वाल्व हेड, वाल्व नेक, वाल्व स्टेम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाल्व हेड, क्योंकि वाल्व का जो हेड है ये कंबस्टन चैम्बर के सीधे संपर्क में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैंक कोण में अवधि जिस पर इनलेट और एग्जास्ट वाल्व दोनों एग्जास्ट के सिरे पर और इंडक्शन स्ट्रोक के आरंभ पर खुले स्थिति में रहता है कहलाता है। ऑप्शन दिए हैं वाल्व लीड, वाल्व लैग, वाल्व ओवरलैग, वाल्व थ्रो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाल्व ओवरलैप, यानी जब दोनों वाल्व एक साथ खुले रहते हैं तो उन्हें वाल्व ओवरलैप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर 4-स्ट्रोक डीजल इंजन में इनलेट वाल्व खुलता है। TDC के पहले 10 डिग्री, TDC के पहले 20 डिग्री, TDC के पहले 30 डिग्री, TDC के पहले 40 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, TDC के पहले 10 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल ईंधन को डैश द्वारा मूल्यांकित किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं ऑक्टेन संख्या, सेटेन संख्या, फ्लैश बिंदु, फायर बिंदु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेटेन संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण वाटर कूल्ड इंजन के लिए पिस्टन रिंग 1.12 mm का बट गैप प्रत्येक डैश mm छिद्र व्यास के लिए निर्धारित किया जाता है। 10, 15, 20, 25। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पहिए का धुरा पिन पिस्टन पिन मुक्त हो, पिस्टन बॉस में साथ ही साथ कनेक्टिंग रोड के छोटे सिरे में दोनों पिस्टन पिन के लॉकिंग विधि का प्रकार कहलाता है।
तो इसका ऑप्शन दिए हैं अर्ध फ्लोटिंग, तीन चौथाई फ्लोटिंग, मुक्त पिन, पूर्ण रूप से फ्लोटिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुक्त पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के सिलेंडर लाइनर आउटर सरफेस तरल कूलेंट या पानी के साथ प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रखता है? ऑप्शन दिए हैं शुष्क लाइनर, अर्ध लाइनर, अर्ध लाइनर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुष्क लाइनर, यानी ड्राई लाइनर जो पानी के संपर्क में नहीं रहते हैं, और वेट लाइनर जो पानी के संपर्क में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व दहन चैम्बर की हानि है? ऑप्शन दिए हैं पावर हॉर्स, परिवर्तन के रिसाव की समस्या, ठंडे स्टार्टिंग समस्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठंडे स्टार्टिंग समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्रम होता है? ऑप्शन दिए हैं 16, 43, 52, 13, 62, 54, 15, 36, 24, 14, 25, 36। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15, 36, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई व्हील का कार्य है? ऑप्शन दिए हैं क्रैंकशाफ्ट की गति बनाए रखना, बी ऑप्शन दिया है ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए इंजन पावर से ट्रांसमिट करना, सी दिया है इस पर फिट किए गए स्टार्टर रिंग की सहायता से इंजन स्टार्ट करना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रूव में पिस्टन रिंग फिट करने के लिए न्यूमन टूल का उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर, पिस्टन रिंग संपीड़क, पिस्टन रिंग फिलर, स्क्रू ड्राइवर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिस्टन रिंग संपीड़क, यानी पिस्टन रिंग कंप्रेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दाब स्नेहन प्रणाली का कार्य दाब होता है? ऑप्शन दिए हैं 5 kg/cm² तक, 4 kg/cm² तक, 3 kg/cm² तक, 1.5 kg/cm² तक। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1.5 kg/cm² तक, यानी 1.5 kg/cm². नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर दाब कैप डैश के लिए फिट किया जाता है? ऑप्शन दिए हैं पानी के क्वथनांक को कम करना, दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ाना, पानी का ओवरफ्लो कम करना, कम दबाव। तो प्रेशर कैप का प्रयोग जो है वो दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तापमान जिस पर थर्मोस्टेट वाल्व अधिकतम खुलता है? ऑप्शन दिए हैं 50 से 55, 60 से 65, 70 से 75, 80 से 85 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर है 80 से 85 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर कूलिंग प्रणाली की हानि है? ऑप्शन दिए हैं कार्य क्षमता वाटर कूलिंग सिस्टम से कम होता है, कार्यरत तापमान अधिक रहता है, ताप रिमूवल दर मुख्य रूप से वायुमंडलीय तापमान पर निर्भर करता है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजेक्टर का कार्य डैश में दहन चैम्बर के लिए ईंधन प्रविष्ट करना है? ऑप्शन दिए हैं ड्रोल प्लेटफॉर्म, प्रमाणीकृत फॉर्म, तरलीय अवस्था, कोई भी अवस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रमाणीकृत फॉर्म, यानी ऑटोमाइजेशन फॉर्म है या ऑटोमाइज्ड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे सम्प स्नेहन प्रणाली का लाभ है, यानी ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम का एडवांटेज है? यह इंजन ऊंचाई को कम करता है, बेहतर स्नेहन सिस्टम सस्ता है, आवश्यक ऑयल की कम मात्रा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेहतर स्नेहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल दबाव रिलीफ वाल्व डैश के लिए फिट किया जाता है, यानी ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व। ऑप्शन दिए हैं ऑयल सम्प,
मुख्य ऑयल गैलरी, ऑयल पंप, ऑयल स्ट्रेनर। तो इसका राइट आंसर है ऑयल पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर चार्ज टर्बो चार्जर कहलाता है जब सुपर चार्जर के टर्बाइन को डैश से ड्राइव किया जाता है। इंजन शक्ति, इंजन का एग्जास्ट गैसें, एसी 230 वोल्ट सप्लाई, वाहन बैटरी। तो दोस्तों सुपर चार्जर जो है वो इंजन की शक्ति से चलता था और जो टर्बो चार्जर है उसको इंजन की एग्जास्ट गैसी से चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन के प्लंजर प्रकार ईंधन पंप डैश से संचालित किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं गवर्नर, इंजेक्टर, FIP का कैमशाफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, FIP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRDI का पूर्ण शब्द है। ऑप्शन दिए हैं कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन, कॉमन रेट डीजल इंजेक्शन, कॉमन रेट डायरेक्ट इंजेक्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन जिसे विद्युत जनरेटर के लिए उपयोग किया जाता है कहलाता है उच्च गति इंजन, निम्न गति इंजन, चर गति इंजन, स्थिर गति इंजन। तो दोस्तों उसको बोलते हैं स्टेशनरी इंजन, यानी स्थिर गति इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एग्जास्ट गैस के जहरीली घटक को थ्री वे उत्प्रेरक परिवर्तन में ऑक्सीजन अलग करता है, यानी थ्री वे कैटलिटिक कन्वर्टर जो ऑक्सीजन को अलग करता है। ऑप्शन दिए हैं CO, HC, NOx, N2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, N2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक जहरीली घटक को EGR प्रणाली से कम किया जाता है। ऑप्शन दिया है NOx, N2, HC, CO। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NOx। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टर मोटर चलता है परंतु पिनियन फ्लाई व्हील के रिंग गियर के साथ इंगेज नहीं होता, संभावित कारण है पिनियन दांत का घिसना, रिंग गियर के दांत का घिसना, दोषपूर्ण स्लिपनेस, प्रोक्त में से कोई एक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिंग गियर के दांते घिसना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपीड़न की हानि का कारण हो सकता है अत्यधिक ईंधन दहन, शोर शराबा इंजन, इंजन बैकफायर, धुआं युक्त एग्जास्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंजन बैकफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन ज़्यादा आवाज़ करता हो तो संभावित कारण है। ऑप्शन दिए हैं निम्न ऑक्टेन ईंधन का उपयोग, ढीला पिस्टन पिन, टूटे हुए पिस्टन रिंग, उपरोक्त में से कोई एक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टूटे हुए पिस्टन रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SAE का पूर्ण शब्द है, यानी पूर्ण अर्थ है। ऑप्शन दिए हैं स्पेशल ऑटोमोबाइल इंजन, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी ग्रेड ऑयल का उपयोग आधुनिक कार इंजन में किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं SAE 20W40, SAE 20W30, SAE 30W40, SAE 40W50। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 20W40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऑयल पंप आमतौर पर हल्के कार इंजनों में फिट किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ ऑयल पंप की बात की गई है। ऑप्शन दिए हैं गियर प्रकार, रेसिप्रोकेटिंग, विद्युत प्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गियर प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला पानी तरल कूलिंग प्रणाली है थर्मोसाइफन सिस्टम, इम्पेलर थर्मोसाइफन सिस्टम, पंप प्रसीदन सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थर्मोसाइफन सिस्टम, इन थर्मोसाइफन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिए गए इंजन के आकार के लिए सुपर चार्जर के साथ पावर आउटपुट डैश प्रतिशत तक बढ़ जाती है।
ऑप्शन दिए हैं 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20 से 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल बाथ एयर क्लीनर में किस ऑयल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए हैं इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल, स्पिंडल ऑयल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंजन ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्वलन वार्निंग लैंप प्रकाश नहीं करता, यहाँ तक कि प्रज्वलन की स्विच ऑन के बाद भी नहीं करता। संभावित कारण है लैंप बल्ब जल जाना, फ्यूज ब्लाउन ऑफ, लैंप और प्रज्वलन स्विच के बीच खुला परिपथ, उपरोक्त में से कोई एक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लैंप बल्ब जल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चार्जिंग परिपथ का एक घटक नहीं है? ऑप्शन ये है बैटरी, स्टार्टर सोलेनॉइड, जनरेटर, अमीटर। तो इसका राइट आंसर है स्टार्टर सोलेनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के द्वारा निर्मित अल्टरनेटिंग धारा को डैश की सहायता से प्रत्यक्ष धारा में बदला जाता है। ऑप्शन दिए हैं ट्रांजिस्टर, कम्यूटेटर, रेक्टिफायर, कंडेंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चार्जिंग सिस्टम अल्टरनेटर के साथ फिट किया जाता है तब किस घटक को बैटरी से धारा के विपरीत प्रवाह को ब्लॉक किया जाता है? ऑप्शन दिया है रेक्टिफायर डायोड, कटआउट, वोल्टेज रेगुलेटर, धारा रेगुलेटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेक्टिफायर डायोड, क्योंकि रेक्टिफायर जो है वो करंट को एक ही दिशा में बहने देता है, विपरीत नहीं आने देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंजन अत्यधिक गर्म होने का कारण नहीं है? ठंडक की कमी, भील, बॉवल, दोषपूर्ण वाटर पंप, अपर्याप्त इंजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भील बॉवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जहरीला घटक चक्कर आने का कारण है? ऑप्शन दिए हैं NOx, N2HC, CO। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी HC। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन को ध्यान से समझे, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Now, my friend, subscribe for more video and keep connected. Bye.